वायु के घोड़ों पर सवार समय को जैसे पंख लग गए थे। इतनी तीव्र गति से भागा कि विश्वावसु और चित्रलेखा के देखते देखते उनकी नन्ही सी पुत्री मदालसा ने यौवनावस्था में प्रवेश कर लिया। ठीक उसी समय असुर राज वज्र केतु के पुत्र पाताल केतु को पाताल साम्राज्य का राजा बनाया जा रहा था। राज सिंहासन पर बैठते ही पाताल केतु को अपने स्वर्गीय पिता वज्र केतु की याद आई और उसने राजपुरोहित से पूछा, कैसा रहस्य राजन? मेरे बार बार पूछने पर भी आज तक मुझे नहीं बताया गया कि मेरे पिताश्री असुरेश्वर वज्रकेतु की मृत्यु कैसे हुई थी। गंधर्व लोक के गंधर्व राज के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनके प्राण लेने वाला था गंधर्व लोक का गंधर्व राज विश्वावसु। सेनापति आज्ञा सुरेश्वर। सेना तैयार करो, हम गंधर्व लोक पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा। ये दुष्ट यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये गंधर्व लोक तो नहीं जा रहा? केतु, ये कौन नृत्य कर रही है? वीर बाहु, ये तो गंधर्व राज की पुत्री मदालसा है। मदालसा, इसे देखते ही मेरे मन में लालसा ने जन्म ले लिया। ये सुंदरी तो पाताल लोक के राजभवन की शोभा होनी चाहिए। जाओ गंधर्व राज के पास मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ। जो आगे हे जगत नियंता, ये पाताल केतु को क्या हो गया? गया था गंधर्व राज का वध करने, गंधर्व राज्य को ध्वस्त करने, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने, और गंधर्व राज्य पहुंचने से पहले ही इसने तो गिरगिट के भांति रंग बदल लिया। नारायण नारायण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपकी कोई लीला है त्रिदेव, है ना? देवऋषि नारद, आप तो जानते हैं ना कि मदालसा कौन है? हाँ प्रभु, देवी सरस्वती का अवतार। अवतार लेने का कोई ना कोई कारण विधि के विधान में अवश्य लिखा होगा। हाँ प्रभु, यह दुर्वासा के शाप का फल है। और दुर्वासा का शाप, उसके लिए भी तो विधि ने कोई ना कोई विधान बनाया होगा। अवश्य बनाया होगा प्रभु। बस कर्मों और फलों का तालमेल बिठाने के लिए ही हमें ये लीलाएं करनी पड़ती हैं। और वत्स, ये मत भूलो, मदालसा अब गंधर्व लोक में गंधर्व राज की पुत्री है, ब्रह्मलोक की देवी सरस्वती नहीं। अब उसे वो सब अच्छे और बुरे कर्म करने होंगे जो मदालसा के नाम पर विधि ने लिखे हैं। तो क्या पाताल केतु जो सोच रहा है वो पूरा होगा? आप तीनों चुप क्यों हैं? देवऋषि नारद, कहानी का अंत जान लेने से कथा में मनोरंजन शेष नहीं रह जाता। समझ गया प्रभु, समझ गया।
मुझे मनोरंजन की सूली पर चढ़ाकर आप मेरी उत्सुकता का रस लेना चाहते हैं? नारायण नारायण, चलिए जैसे त्रिदेवों की इच्छा। किंतु मैं भी अनुमान लगाने बैठता हूँ कि पाताल केतु मदालसा को पाने में सफल होगा अथवा नहीं। नारायण नारायण, पाताल लोक में रहने वाले उस पाताल केतु का साहस कैसे हुआ हमसे हमारी पुत्री का हाथ मांगने का? कहाँ सौंदर्य की निधि हमारी मदालसा, और कहाँ वो दैत्य? उसने इतना तो सोचा होता कि हम गंधर्व हैं, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी संस्कृति उन दैत्यों से कितनी भिन्न है। और उस पर वो दंड केतु कितना यशकान कर रहा था अपने राजा का। साथ साथ ढके छुपे शब्दों में उसने दैत्यों के बल का भी बखान किया था। वो बली है तो हम भी निर्बल नहीं। मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ कभी नहीं दूंगा, चाहे मुझे पाताल केतु से युद्ध क्यों न करना पड़े। हाँ, गंधर्वराज, मैंने पुरानी बातें भूलकर तुमसे मित्र संबंध स्थापित करने के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ माना था। एक बार फिर कहता हूँ, अपनी पुत्री मदालसा को पाताल लोक की महारानी बनाना स्वीकार कर लो, अन्यथा पाताल केतु बंदर के मुख से चांद की मांग। चुपचाप सभी जगत के चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे पिता वज्र केतु की हुई थी। गंधर्वराज, तुमने मेरे पिता का नाम लेकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला में घी डाल दिया। दैत्यो, समाप्त कर दो इन सभी गंधर्वों को, एक भी यहाँ से जीवित न जाए। मैं इस विश्वावसु से निपटता हूँ। आक्रमण संदेश भी भेजा और स्वयं भी यह सुझाव दिया जो उसने ठुकरा दिया। अब मैं उसे ठुकरा कर तुम्हें बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक ले जा रहा हूं।
कहां तक भागोगी सुंदरी? पाताल केतु तुम्हें लेने आया है सुंदरी, तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। नहीं, कभी नहीं, तुम मुझे जीवित नहीं ले जा पाओगे। मैं तुम्हें जीवित ही लेकर जाऊंगा। नहीं। माँ, मदालसा, बेटी मदालसा, माँ, माँ, मदालसा, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ तुम्हें? चल 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 मेरे साथ। अब हम इसी तरह पता लोग जाएंगे। चल चल मेरी नगरी जहाँ की तुम रानी बनोगी। अब ये रोना धोना छोड़ो और मेरे मन से अपना मन जोड़ो, क्योंकि अब तुम्हें आजन्म मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें जीवन के हर सुख प्रदान करूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये सुख, नहीं चाहिए मुझे ये सुख। मुझे गंधर्व लोग वापस जाने दो, मुझे गंधर्व लोग वापस जाने दो। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। आभार तो मुझे चाहिए सुंदरी, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा तन मन दोनों बेचैन हो गए हैं। अब मुझे और क्षमता नहीं है तुमसे दूर रहने की। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए। ये भगवान, भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। ये तो लीला ही समाप्त हो गई। पाताल केतु तो ले गया मदालसा को पाताल लोक। नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, देवी सरस्वती का मदालसा के रूप में अवतार लेने का कारण भला ये था कि वो पाताल केतु द्वारा अपहरण कर ली जाए? हे शिव शंकर महादेव, ऐसा होगा तो पृथ्वी लोक पर आप त्रिदेवों के प्रति आस्था ही समाप्त हो जाएगी। जब आस्था और विश्वास नहीं रहेंगे विधाता, तो दसों दिशाओं में एक नारद की वीणा के तार ही नारायण नारायण बोलेंगे, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। वत्स नारद, इतना निराश तो तुमने पहले कभी नहीं देखा। देव ऋषि, आप तो सचमुच पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला से भ्रमित हो गए हैं। हे मुनिवर, आप केवल आंखों देखी घटना को सत्य मान रहे हैं। कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता, सत्य का आडंबर होता है। पाताल केतु का मदालसा को ले जाना आडंबर हो सकता है, किंतु चित्रलेखा का रुदन, गंधर्व राज विश्वावसु की अपनी असमर्थता पर निराशा, उसका प्रभु की सत्ता पर अविश्वास, ये तो आडंबर नहीं है ना त्रिदेवो? नहीं है ना ये आडंबर? और वो तो दत्तात्रेय के रूप में आप त्रिदेवों की आराधना करते रहते हैं, फिर उन्हें ऐसी कठिन परीक्षा में क्यों डाला जा रहा है? क्या भक्तों को उनकी भक्ति का यही प्रसाद मिलेगा? देव ऋषि, भक्तों का कभी कभी रुदन हमें अच्छा लगता है, इससे उनके मन की कलुषिता धुल जाती है।
और जब मन की कलुषिता धुल जाती है तो यही रुदन आनंदकारी हो जाता है और भक्तों को हमारे और निकट ले आता है। देवर्षि, गंधर्व परिवार के रुदन से पाताल केतु के पापों में वृद्धि हो रही है और वो विनाश के निकट आता जा रहा है। वत्स, हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। उद्देश्य सामने पाकर उद्देश्य पूरा न करने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता। सुंदरी, तुम्हारे यौवन और तुम्हारी सुंदरता के आकर्षण ने मुझे अपने पिता का प्रतिशोध भुला दिया था। इसी कारण आक्रमण छोड़ मैंने तुम्हारे पिता गंधर्वराज को तुम्हारे साथ विवाह का निमंत्रण भेजा था। उन्होंने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया, पर मेरे मन में बसी तुम्हारी ये सुंदर मूरत मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। आज आज मैं तुम्हें अपना बनाने जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। तुम जितना नहीं नहीं करती हो, मेरा दिल उतना ही हाँ हाँ करता है। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए। इस समय तुम्हारा भगवान मैं हूँ, मैं। Thank you.
कल्याण वस्तु विश्व कल्याणमयी। हाँ पुत्री, तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मेरा? हाँ, तुम अपने सत्य स्वरूप को भूल गई हो। तुम शक्ति रूपा हो, ज्ञान का आधार हो, तुम स्वयं वाग देवी सरस्वती अवतार हो। ज्ञान प्रसार के लिए ही तुमने अवतार लिया है। अपने अवतार का कार्य किए बिना तुम इस सृष्टि को नहीं छोड़ सकती, इसलिए आत्महत्या की बात कभी मत सोचना। तुम अपना कर्म किए बिना ये शरीर नहीं छोड़ सकती। मेरा क्या कर्म है प्रभु? अनाचार्य दैत्यराज पाताल केतु की मृत्यु। तुम अपने आप को विधि के विधान पर छोड़ दो मदालसा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जिस संतान को जन्म दोगी, वो संतान सनातन धर्म की संबल होगी। अपनी कृपा को बनाए रखिए प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखिए। परमपिता ब्रह्मदेव, हमारी पुत्री मदालसा की रक्षा करना ब्रह्मदेव, उसे उस दुष्ट पाताल केतु से बचाना, उसकी सुरक्षा करना ब्रह्मदेव, उसकी सुरक्षा करना। गंधर्वराज, गंधर्वरानी, आप अपनी पुत्री मदालसा के लिए चिंतित हैं ना? आप तो विधाता हैं, सब कुछ जानते हैं प्रभु। हम अपनी पुत्री को पाताल केतु से नहीं बचा सके। हे परमपिता, हमारी प्रार्थना है कि आप देवेंद्र को हमारी सहायता करने के लिए पाताल लोक पर आक्रमण करने को कहें। हमें अपनी पुत्री की पाताल केतु से मुक्ति चाहिए विधाता। निस्संदेह देवेंद्र देवताओं के राजा हैं, परंतु पाताल केतु से निपटना उनके वश में नहीं है। परंतु आप दोनों निराश मत होइए, आपकी पुत्री सुरक्षित है। उसकी रक्षा स्वयं देवों के देव कर रहे हैं। देवों के देव कौन परमपिता? भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से ही मदालसा का जन्म गंधर्व लोक में हुआ है। क्या दत्तात्रेय ने आपको बताया नहीं? फिर भी आप चिंतित हैं, क्यों? हम उसके माता पिता हैं प्रभु, अपनी संतान की चिंता तो होती है ना। ये सब दत्तात्रेय की लीला है। यदि मदालसा का अपहरण नहीं होता तो पाताल केतु का विनाश कैसे संभव होता? तो क्या गंधर्वराज, चिंता मत करो, मदालसा शीघ्र ही मुक्त होगा। प्रणाम परमपिता। ये नरम शैया नहीं, मेरे लिए चिता है।
इस शैया के चारों तरफ पाताल केतु की वासना मुंह फाड़े मुझे खाने को तोड़ती है। ऐसा क्यों सोचती हो? वो तो तुम्हें प्यार करते हैं। प्यार? उसकी आंखों में सिवाय वासना के और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जब भी उसकी ओर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अब पवित्र हो गई हूँ। नहीं, ऐसा मत सोचो। पाताल केतु दैत्य राज है और उनकी रानी बनने से तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे सुख। मेरे अब तक सदा सुख ही सुख हो गए हैं। उस दैत्य से विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु से विवाह कर लूं। तुम बहुत भावुक हो रही हो पुत्री। आपने मुझे पुत्री कहा माता? मुझे अपनी माता की याद आ गई। कितनी दुखी होंगी वो। उनकी आंखों के सामने ये दुष्ट पाताल केतु मेरा अपहरण करके ले आया और वो कुछ न कर सकी। जिस माँ ने सदा मुझे अपनी पलकों पर बिठाया, मुझे लेश मात्र भी कष्ट नहीं होने दिया, जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में, जाने क्या क्या विचार आते होंगे उसके मन में। मुझे स्वर्ग में रखने की कामना करने वाली मेरी माँ अपनी पुत्री का विवाह किसी देवता से सोचने वाली मेरी माँ उनकी पुत्री दैत्य लोक में पाताल केतु के जाल में फंसी हुई है। उनका तो कलेजा फटता होगा ये सोचकर। रो मत पुत्री, क्योंकि अब तुझे यही रहना है। अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लो। दुखों को सुख नहीं मानोगी तो सारा जीवन इसी प्रकार रोती ही रहोगी। ये आप कह रही है? अपने आप को मां मानकर सोचो। यदि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया होता और कोई दुष्ट मेरा अपहरण करके मुझे विवाह करने के लिए विवश करता तो क्या तब भी आप उस दुख को सुख मानकर मुझे जीवन बिताने को कहती? क्या तब भी आप उस दुष्ट पापी से मेरा विवाह करा देती? पाताल केतु के लिए नारी केवल एक भोग वस्तु है। नारी का भी मन होता है, उसकी भी कोई इच्छा है, उसकी भी कोई पसंद है, पर उसे उसे तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। वो तो केवल अपने पुरुष होने के अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है, अपने राजा होने का, अपने बलवान होने का अहंकार है उसे। सारी सुंदर वस्तुओं को अपनी कैद में रखना चाहता है वो। ये मानव नहीं पशु के लक्षण है माता। क्या आप ऐसे पशु से अपनी पुत्री का विवाह पसंद करेंगी? हमसे मत पूछो पुत्री, हम तो विवश हैं और इस समय तुम भी विवश हो। मैं विवश हूँ लेकिन पाताल केतु के वश में नहीं रहूंगी। इस भ्रम में मत रहो, ये दैत्य लोक है। यहाँ निर्बल और असहाय की विवशता को देखकर आनंद उठाना दैत्यों की जन्मजात प्रवृत्ति है और ये दैत्य राज वो ही कर रहा है।
तुम्हारी ना उसे प्रेरित कर रही है, उसे चुनौती दे रही है कि वो तुम्हें हठात अपनी रानी बनाए। इसीलिए वो गालब ऋषि के पास गया है। गालब ऋषि के पास? हाँ, निमंत्रण देने के लिए कि वो पुरोहित बनकर तुम दोनों का विवाह करवाए। विवाह? हे भगवान दत्तात्रेय, अब इस विपदा से आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। महर्षि कालब, आयुष्मान भव, मेरे आने से आपके यज्ञ में जो बाधा पड़ी है उसके लिए क्षमा प्रार्थी, किंतु आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आपको मेरे विवाह पर पुरोहित बनना होगा। क्या मदालसा इस विवाह के लिए मान गई है? आपसे क्या छिपा है महर्षि, आप तो सब जानते हैं। पाताल केतु, जिस विवाह में कन्या की सहमति न हो, गालब उस विवाह का पौरोहित्य स्वीकार नहीं करेगा। आप मुझे ना कह रहे हैं महर्षि? पाताल केतु, तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो भी मैं यही कहता। हाँ। मैं अधर्म का कार्य नहीं करता। चले जाओ पाताल केतु, हमें हमारा धर्म करने दो। हाँ, पाताल केतु का विवाह अधर्म है और ये यज्ञ धर्म। आपने मेरा तिरस्कार किया है महर्षि, मेरी विनती ठुकरा कर आपने पाताल लोक के राज्य और राजा दोनों की शक्ति का विरोध किया है, उपहास किया है दोनों का, और इसका दंड आपको मिलेगा। ये यज्ञ यदि धर्म है और मेरा विवाह अधर्म, तो आज से मेरे राज्य में कोई भी धर्म नहीं होगा। यज्ञ भी अधर्म माने जाएंगे और मंत्रोच्चारण भी अधर्म। आज से यहाँ कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। यदि ये आश्रम उस धर्म का मंदिर है तो ये आश्रम भी नहीं रहेगा। इस मदालसा से विवाह करने को इतने उन्मत्त हो पाताल केतु? वही मदालसा? नहीं महर्षि, मदालसा के लिए कुछ मत कहिए। ओ, इतना अधिकार बना लिया उस पर। पाताल केतु, मेरे हाथ में जल है। यदि तुमने मदालसा से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया तो तुम तुरंत जलकर भस्म हो जाओगे।
नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कल्याणमस्तु। कितना सत्य है ये कि सृष्टि जब सोती है तो सृष्टि के हित के लिए योगी जागते हैं। अब लीला के कौन से चरण की सोच रहे हैं आप? भक्तों को अहंकार से मुक्त करने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान को लीला तो करनी ही पड़ती है देवर्षि। परमेश्वर पर जीव मात्र के पालन का भार जो है, तामसी विचारों के बढ़ने पर जब अधर्म बढ़ जाता है तो अन्याय, अनीति और अत्याचार से सृष्टि वासियों की व्यथा रोकने के लिए परमेश्वर को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। ऐसे आपने अवतार लिया है प्रभु, परंतु अधर्म तो बढ़ ही रहा है। अधर्मी पाताल केतु ने महर्षि दालव का यज्ञ और आश्रम ध्वस्त कर दिया है। ऋषि मुनियों का अपमान स्वयं भगवान का अपमान है देवर्षि, परंतु भगवान दुराचारियों को सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। तो क्या आप अधर्मी पाताल केतु को भी सुधरने का अवसर देंगे? अवश्य। हर मानव और दानव के भीतर अच्छाइयाँ छिपी होती है देवर्षि। मैं पाताल केतु की अच्छाइयों को सुधारने का और उभरने का अवसर अवश्य दूंगा। नारायण नारायण। तक रुष्ट हो मुझसे, इस पाताल केतु पर कृपा करो देवी। अपनी एक मंद मुस्कान से मेरे मुरझाए हुए मन को पुलकित कर दो। तुम्हारी प्रेम भरी एक दृष्टि मेरा जीवन सफल कर दो। क्रोध को त्यागो और अपने इस प्रेमी के हृदय की प्रेम भावनाओं का अपने प्यार से स्वागत करो। तुम्हारे मन में चाहे जो हो, पर तुम्हारी इन आंखों में मुझे प्यार ही दिखाई देता है। मेरी तरफ से ये भेंट, इसे स्वीकार करो। विडंबी जिम्मी, के पश्चात ले जाओ इन्हें मेरी आंखों से दूर। बदाल सा, मुझे लालच देते हुए नाभूषणों का, इन कांच के टुकड़ों का जो मैंने कभी नहीं देखे। कान खोल कर सुन लो पाताल की तू, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर तू जैसे दुराचारी के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुंदरी, तुम ये बोल रही हो, इस समय तुम मेरे लोक में, मेरे भवन में, मेरी इच्छा से इस कक्ष में सुरक्षित हो। मैं जब चाहूं ये इच्छा बदल सकता हूं।
करना चाहता हूं, मैं प्रेम का आदान प्रदान प्रेम से करना चाहता हूं, बल का प्रयोग करके नहीं। वैसे तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं मेरा यह समर्पण सुंदरी? मैं दैत्यराज हूं, अजेय हूं, बलि हूं और तुम्हें सुख के सारे साधन देने को तैयार हूं। बोलो सुंदरी, बोलो सुंदरी, तुम मुझे अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रही हो। इस पाताल केतु का अपमान, वो पाताल केतु जिससे देवेंद्र भी भयभीत है, इसका परिणाम जानती हो? परिणाम? परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं, भगवान दत्तात्रेय के हाथों में है। और जो उनकी उपासना करते हैं वो तुझ जैसे दुराचारी से कभी नहीं डरते। भगवान दत्तात्रेय? ये कौन सा भगवान है? ठीक है, मैं तुम्हारे भगवान दत्तात्रेय को ही बंदी बनाकर यहाँ ले आता हूँ। दत्तात्रेय!